हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू अरोमा ऑफ किचन। आज हमारी किचन में बनेंगे साबुदाना बड़ा। बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं फ्रेंड्स जो देखने में लगती हैं कि बहुत आसान है इन्हें बनाना, पर जब हम बनाने बैठते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसी तरीके की एक रेसिपी ये है साबुदाना बड़ा, जिसको मैं आज लेकर आई हूँ आपके सामने पूरे टिप्स के साथ। आप एक एक स्टेप फॉलो करके बनाएंगे और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके साबुदाना बड़ा भी ऊपर से उतने ही क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी बड़ा तोड़कर, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये बहुत सॉफ्ट है, अंदर आपको एक भी साबुदाना वाइट नहीं दिखेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साबुदाना बड़ा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सारे टिप्स और ट्रिक्स देख पाएँ। तो वड़ा बनाने के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है साबुदाना। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ का साबुदाना लिया हुआ है। हमें तीन तरह के साबुदाने मिलते हैं मार्केट में, तो ये मीडियम वाला है। यहाँ पर मैं 100 ग्राम साबुदाना का यूज़ कर रही हूँ और अब हमें क्या करना है, इसको वॉश करना है। तो आपको 3 से 4 बारी इसे अच्छे से मसल मसल के वॉश करना है ताकि जितना भी गंदा पानी हो वो निकल जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर साबुदाना अच्छे से नहीं धुला तो वो बिल्कुल भी अच्छे से रिजल्ट नहीं देगा। तो 3-4 बार अच्छे से धोने के बाद अब हम साबुदाना को सोक करेंगे लगभग 3 घंटे के लिए। और आप पानी देखिए, साबुदाना से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रखना है, बहुत ज़्यादा हमें बर्तन को नहीं भरना है। तो इसको सोक करने के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मिनिमम 1.5 घंटे इसे सोक करना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए साबुदाना सोक हो गया था 3 घंटे के बाद। तो देखिए 3 घंटे बाद कितना अच्छे से फूल चुका है ये साबुदाना, और आप देख सकते हैं कि एक एक दाना खिल के आ रहा है। कहीं भी आपको कोई भी 2 दाने आपस में चिपके हुए नहीं दिखेंगे। और देखिए मैं आपको एक प्रेस करके दिखा दिया, तो ये देखिए कितने अच्छे से प्रेस हो गया। इसी तरीके के साबुदाने आपके हो जाने चाहिए जब वो सोख होते हैं। तो अब हम इसमें मिला देते हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू। आलू जब आप बॉईल करते हैं उसके बाद आप 10 मिनट के लिए उनको फ्रिज में रख दीजिए, तो उसके बाद वो बहुत अच्छी बाइंडिंग देते हैं। साथ ही में हमने डाल दी हैं 2 हरी मिर्चें, हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे। अब हम डालेंगे पीनट पाउडर जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पीनट और कैश्यू दोनों लिए हैं, यानी कि मूंगफली के दाने और काजू। इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था मूंगफली के दानों को, और उसके बाद एक क्रशर में क्रश कर लिया, साथ में थोड़े से काजू डाल दिए। बहुत अच्छा क्रंची फ्लेवर देते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आप ये बहुत ज़्यादा ना डालें, अदरवाइज़ जो साबुदाना वड़ा है उनका कलर पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। लास्ट में हमने इसमें डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करना है दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हमें आलूओं को मैश करते जाना है। और अब आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप किस तरीके के वड़े चाहते हैं। आपको वड़े वो चाहिए जिनमें साबुदाना के पर्ल्स आपको दिखाई दें, या फिर आपके साबुदाना बिल्कुल घुरे होने चाहिए। तो मुझे चाहिए कि साबुदाना के पर्ल्स अलग से दिखाई दें ताकि ये दूर से ही समझ में आ जाए कि हाँ ये साबुदाना वड़ा है। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, बस ऐसे करेंगे कि आलू और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर ये जो डो है दोस्तों वो बहुत स्टिफ़ होना चाहिए, यानी कि बहुत हार्ड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसमें कहीं भी पानी हो। अगर इन केस आपको ऐसा फील होता है कि इसमें पानी है, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच कूटू का आटा भी मिला सकते हैं। अगर कूटू का आटा नहीं है तो साबुदानों को ग्राइंडर में पीस के उसको भी मिला सकते हैं, पर कोशिश हमें यही करनी है कि हमें इस मिक्सचर में किसी और चीज़ को मिलाना ना पड़े। तो देखिए अच्छे से मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलेंगे इसके वड़े बनाने के लिए। तो वड़े बनाने के लिए मैंने साइड में ले ली है एक प्लेट। हाथों पर लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, और आप किसी भी साइज़ की बॉल बना सकते हैं या बड़ा बना सकते हैं या इनको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ कटलेट वाली जो टिक्की की शेप होती है वो। तो उसके लिए हमने देखिए सबसे पहले तो बॉल बना ली दोनों हथेलियों के बीच में रोल करते हुए, और उसके बाद इस तरह से हम प्रेस करते हुए टिक्की बना लेंगे। कोशिश ये करनी है कि हम उंगलियों से रोल ना करें, अदरवाइज उंगलियों के प्रिंट इस पर आ जाएंगे और ये इवनली नहीं सिकेंगे। तो हमारा एक बड़ा बनकर तैयार है। अब हम इसी तरीके से बाकी के बड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, जब साबुदाना सोक करने के बाद आप ट्रांसफ़र करें उसे, तो उसे थोड़ी देर के लिए किसी स्ट्रेनर के ऊपर रख दें ताकि जो एक्सेस वाटर है जो उसमें से निकल जाए। हमें किसी भी स्टेज पर इसमें मॉइस्चर नहीं चाहिए, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो देखिए बातों ही बातों में लगभग दूसरा बड़ा बनकर भी तैयार हो गया, कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करेंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी थी ऑयल डालकर, और अब हम इसमें बड़े तलेंगे। तो सबसे पहले हम एक बड़ा डालकर देखेंगे। तो देखिए इतना ही गर्म चाहिए कि साइड से बबल्स निकलने लगें, और एक हम बड़ा इसलिए डालेंगे ताकि देख सकें कि बड़े कहीं फैल तो नहीं रहे। तो लगभग 10 सेकंड बाद आप बाकी के बड़े इसमें डालिएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में सिर्फ 4 ही डाल रही हूँ ताकि ये आराम से सिक सकें। बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो वो भी जो ऑयल का टेम्परेचर है उनको डाउन कर देता है। इसको हमें पकाना है लो से मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल भी स्टिर नहीं करना है जब तक कि नीचे गोल्डन ब्राउन कलर ना दिखने लगे। तो देखिए कलर दिखने लगा था गोल्डन ब्राउन, तो मैंने इनको टर्न कर दिया है और एक तरफ से ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल भी कहीं से भी धनिया या मिर्च कुछ भी अलग होकर नहीं निकल रहा है। यही पहचान है परफेक्ट साबुदाना वड़े की। जैसे जैसे ये वड़े पकने लगेंगे ना, वैसे वैसे इनका साइज जो है वो फूलने लगेगा। तो लगभग 2 मिनट बाद और मैं देखती हूँ टर्न करके, तो अभी ये उतना क्रिस्पी नहीं दिख रहा है। दोबारा पलट देते हैं और इसको सिकने देते हैं फिर से 2 मिनट के लिए। फ्लेम लो से मीडियम ही रखनी है, मीडियम से हाई नहीं रखेंगे वरना ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से बहुत रूखे रूखे लगेंगे ये खाने में। इनको आप व्रत में खा सकते हैं, बेसिकली तो ये व्रत के लिए बनते हैं फ्रेंड्स, पर आप इन्हें किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं या फिर फॉर अ चेंज बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वड़े हमारे सिक चुके हैं काफ़ी अच्छे से, देखिए। तो अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में और बाकी के बड़े भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि गर्मियों में फ्रेंड्स आप 1.5 घंटा भी साबुदाना सोक करेंगे तो भी सफिशियंट है, और सर्दियों के लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ओवरनाइट आप उन्हें सोक कीजिए तो वो बहुत अच्छे से सोक हो जाएंगे। अब हम ऑयल में जो हमारे बाकी बड़े बचे हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से, बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाना है। तो हमारे सारे साबुदाना वड़ा फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं, अब बारी है प्लेटिंग की और हाँ आपको दिखाने की कि वो अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो देखिए साबुदाना के आपको पर्ल्स अलग ही दिख रहे होंगे, दाने मोटे मोटे जो कि मैंने आपको बताया था नीड करते टाइम, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस बार इनको व्रत में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो लीजिए मैंने उठा लिया है एक बड़ा और मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ आपको, तो कितना सॉफ्ट है। और आप देखिए कहीं भी आपको सफ़ेद साबुदाना नहीं दिख रहा है, यानी कि साबुदाना बहुत अच्छे से अंदर से पक चुका है ना, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। तो ट्राई कीजिए इसे अपने घर में, अपने बच्चों को खिलाइए, अपनी पार्टीज़ में स्टार्टर में सर्व कीजिए। आप इसे हरे धनिया की चटनी या फिर दही के साथ खा सकते हैं अगर आप व्रत में खा रहे हैं, नॉर्मली आप कैसे भी खा सकते हैं। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलेंगे फ्रेंड्स इसी तरीके की और अमेजिंग इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।